हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्मार्ट वर्ल्ड और M3M के बिग बिलियन डे सेल्स ऑफर के बारे में। जैसे हर साल M3M और स्मार्ट वर्ल्ड एक ऐसा फेस्टिवल लेकर आते हैं, प्रॉपर्टी फेस्टिवल लेकर आते हैं, जिसमें उनका एम होता है एक लिमिटेड पीरियड के अंदर बहुत सी इन्वेंट्री को सोल्ड आउट करना। उसमें बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स होते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी M3M और स्मार्ट वर्ल्ड लेकर आ चुके हैं बिग बिलियन डे सेल्स फेस्टिवल, जिसमें आपको मिलते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स और बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट्स। तो डिटेल में बात करेंगे उन पेमेंट प्लान्स के बारे में, क्या क्या आपको उसमें ऑफर्स मिलते हैं और किन किन प्रोजेक्ट्स में आप वो ऑफर अवेल कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्मार्ट वर्ल्ड बिग बिलियन डे के बारे में। स्मार्ट वर्ल्ड के पास इस वक्त दो प्रोजेक्ट हैं जिसको कि वो बिग बिलियन डे के अंदर लाने वाले हैं। एक है स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन विच इज़ इन सेक्टर 66 और एक है इनका स्मार्ट वर्ल्ड DXP विच इज़ ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 113। दोनों ही प्रोजेक्ट हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, लग्जरी कैटेगरी के प्रोजेक्ट है और दोनों का ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। DXP की मैं बात करूं तो उसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी एडवांस लेवल पे है, जबकि एडिशन का जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है। बात करते हैं स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन की, जो कि सेक्टर 66 में है, गॉल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन मानी जाती है। 10.5 एकर्स में ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको 3 ट्विन टावर्स मिलते हैं, मतलब आपको इसमें कुल मिला के मिलते हैं 6 टावर्स। 1 लाख स्क्वायर फीट का आपको इसमें एक अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउस मिलता है और बिल्डर का दावा है कि इस तरह का क्लब हाउस अभी तक सिर्फ DLF ने मैग्नोलियास के और कैमिलियास के अंदर बनाया है। अभी तक ऐसा क्लब हाउस उन प्रोजेक्ट्स के अलावा कहीं पर नहीं है। उसमें आपको अलग अलग तरह की एमिनिटीज देने की कोशिश है, जिस तरह से मैग्नोलियास में आपको एक फुल फ्लैज बॉक्सिंग रिंग मिलती है, उसी तरह से एक बॉक्सिंग रिंग इसमें दी है। आपको एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल मिलता है, छत पे काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। इसके अलावा भी बहुत सी एमिनिटीज़ आपको मिलती है। 80% के आसपास आपको ग्रीन एरिया मिलता है। G+42 के आपको इसमें टावर्स मिलते हैं। अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरीज के आपको इसमें एमिनिटीज़ मिलती है। चारों तरफ अगर मैं बात करूं तो आपको लो राइज डेवलपमेंट मिलती है। एक तरफ आपको मिलते हैं MR मारबेला के विलाज, जहाँ से आपको अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है अरावली का और जो हाई राइज है आसपास के, जैसे कि गॉल्फ एस्टेट हो गया। और दूसरी तरफ आपको जो MR के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि 10 से 15 फ्लोर्स के बीच में ही बने हैं, तो उस तरफ से भी आपको जब 15 फ्लोर के ऊपर आप निकलते हो तो आपको अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। तो ये हो गई प्रोजेक्ट की बात। अब बात करते हैं ऑफर्स के बारे में, जिसके बारे में मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त बज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है स्मार्ट वर्ल्ड और M3M। दोनों ही बिल्डर दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू क्रिएट अ बज इन द मार्केट और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको इनके हैशटैग मिल जाएंगे। हर तरह की मार्केटिंग स्मार्ट वर्ल्ड और M3M अपने प्रोजेक्ट्स की कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी हाइप क्रिएट हो रही है मार्केट में और जो ये ऑफर है, जो ये बिग बिलियन डे सेल्स चल रही है, ये 24 दिनों के लिए है। 24 दिनों के अंदर आपको बहुत ही अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें भी एक आपको थोड़ा सा इन्होंने इसमें इस तरह से किया है कि जो इनिशियली जो बायर्स आएंगे उनको वो ऑफर्स अवेल होंगे। इसमें हर यूनिट पे आपको ऑफर्स नहीं मिलेंगे, हर प्रोजेक्ट के अंदर जो स्टार्टिंग की 24 यूनिट्स है उसी पर ही वो ऑफर्स आपको मिलेंगे। तो ऑफर्स कुछ इस तरह से है कि आपको हर प्रोडक्ट के अंदर जो 24 यूनिट है, इनिशियली जो 24 बायर होंगे उनको उसमें 24% देना है इनिशियली और जो 76% पैसा देना है वो देना है एट द टाइम ऑफ पोजेशन। तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टर फ्रेंडली ये आपको पेमेंट प्लान मिलता है। इसमें आप 7-8 करोड़ का जो अपार्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ 24% दे के आप खरीद सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब तक प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा, तब तक अगर आपको लगता है कि यार मुझे इस प्रोजेक्ट को नहीं रखना है या मैं किसी और प्रोजेक्ट में जाना चाहता हूँ या आपका बजट उस तरह का नहीं बनता, तो आप उस प्रोजेक्ट को मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की लोकेशन है, जिस तरह की एमिनिटीज है, ये एक बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट बनने वाला है उस लोकेशन में। 24% और 76% का आपको पेमेंट प्लान मिल गया, उसके साथ साथ इसमें आपको 24% का आपको डिस्काउंट मिलता है, साथ ही साथ आपको मिलता है 24 महीने की मेंटेनेंस फ्री और साथ ही साथ फर्स्ट ट्रांसफर फ्री मिलता है। दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर होता है वो उसका मेन एम होता है कि एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद मार्केट से एग्जिट हो जाए, लेकिन
ट्रांसफर कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है आज की डेट में, 500 से 600 रुपए आपको ट्रांसफर कॉस्ट पड़ती है पर स्क्वायर फीट। तो कहीं ना कहीं 18 से 20 लाख रुपए तो आपके ट्रांसफर में ही चले जाते हैं, तो आप यहाँ पे 15 से 18 लाख रुपए बचा जाते हो। तो ये आपका बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है, ये आपका स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन और स्मार्ट वर्ल्ड DXP दोनों के अंदर ही लागू होता है। अब जो 24 यूनिट के बाद के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या, तो उनके लिए भी इसमें बहुत अच्छे आपको पेमेंट प्लान मिलते हैं। उसके बाद आपको मिलता है 24, 24 और 52 का पेमेंट प्लान, जहां पे 24 आपके इनिशियली जाएंगे, 24% जो है आपका बाद में जाएगा, 1.5 साल के बाद जाएगा, 52% आपका जाएगा एट द टाइम ऑफ पोजेशन। ये भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है, इसमें भी आपको फर्स्ट ट्रांसफर फ्री मिलता है, 24 मंथ्स की आपको इसमें मेंटेनेंस फ्री मिलती है, तो ये भी एक अट्रैक्टिव प्लान है। ऑब्वियसली प्राइसिंग की जब मैं बात करता हूँ तो जो नॉर्मल पेमेंट प्लान हैं जैसे कि आपके 20x5 हो गया या 30x40 हो गया, और जो ये आपके दूसरे पेमेंट प्लान हैं जो इन्होंने अभी निकाले हैं, उसमें प्राइस का गैप ऑब्वियसली है, बट उसमें जो आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट है, फर्स्ट ट्रांसफर फ्री हो गया, 24 मंथ्स की जो आपकी मेंटेनेंस फ्री होगी वो नहीं मिलती। लेकिन अगर आप उस पेमेंट प्लान में भी जाना चाहते हैं तो आप उस तरह के पेमेंट प्लान भी जा सकते हो। तो इसमें आपको 4 से 5 पेमेंट प्लान्स मिलते हैं अगर आप स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन या DXP के अंदर जाते हो। स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन में अभी इन्होंने टावर 5 निकाला है। अच्छा, टावर 5 जो है वो इनके पूरे प्रोजेक्ट का सबसे प्रीमियम टावर है। उसमें जो आपका प्राइस है नॉर्मल जो भी टावर्स हैं स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन के अंदर उससे 500 रुपये ऊपर है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एमिनिटीज ये एक्स्ट्रा देने की इनकी प्लानिंग है। जैसे गोल्फ स्ट्रीट के अंदर आपने सेंट एंड्रयूज देखा हो और जो दूसरे टावर्स है गोल्फ स्ट्रीट के वो देखे हो, जो डिफरेंस आपको उसकी लॉबी में मिलता है वही डिफरेंस आपको टावर 5 और जो बाकी टावर्स है उसमें मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही, जैसे कई गेस्ट ऐसे होते हैं कि आप उनको क्लब हाउस में नहीं ले जाना चाहते या उनको आप ऊपर नहीं ले जाना चाहते अपने अपार्टमेंट में, तो नीचे ही इन्होंने अल्फ्रेस्को गार्डन बनाया है जहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से ही आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगी, आपको बिवरेजेस मिलेगी। तो इस तरह की एमिनिटीज है कि जो आपके गेस्ट हैं जो थोड़े से ड्यूरेशन के लिए आएंगे तो आप उनको वहीं पर ही सर्व करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मिलती है इसमें वैल्यू पार्किंग की ऑप्शन भी मिलती है, और साथ ही साथ आपको इसमें मर्सिडीज एस क्लास शॉफर की फैसिलिटी भी मिलती है, कहीं भी आपको जाना है तो वो गाड़ी आपको मिलती है। तो ये कुछ एमिनिटीज है जो एडेड ऑन फीचर्स है इस टावर के अंदर वो आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसकी प्लेसिंग देखते हो टावर 5 की, तो बिल्कुल आपका जो क्लब हाउस है उसके साथ है, और जो फ्रंट का जो आपका टोटल ग्रीन एरिया है उस वो भी आपका टावर 5 के सामने ही आता है, जो वाटर बॉडी है सामने वो भी सारी इसी के अंदर ही आती है। तो एक प्रीमियम टावर है, हाँ प्राइस उसका थोड़ा सा ऊपर है बट प्रीमियमनेस भी उसके अंदर डेफिनेटली है। तो इसमें आप अगर प्रीमियम यूनिट खरीदना चाहते हैं तो टावर 5 में आप जा सकते हैं, अदरवाइज बाकी टावर्स में भी आपको इसमें ऑप्शंस मिलते हैं। अब इसमें अगर मैं टाइपोलॉजी की बात करूँ तो इसमें आपको 3.5 BHK और 4.5 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 4.5 BHK दो साइज में आता है और वैसे ही 3.5 BHK भी दो साइज में आता है। जो आपके इंटरनल फेसिंग 3.5 BHK और 4.5 BHK है वो आपके थोड़े से बड़े साइजेस के हैं, और कहीं ना कहीं उसमें आपको 1000 से 1500 पर स्क्वायर फिट की PLC भी लगती है, डिपेंडिंग अपॉन फ्लोर्स उस पर आपकी PLC वेरी करेगी। लेकिन जो पीछे के आपके टावर्स हैं उसमें आपकी जो PLC है वो 500 रुपये तक लगती है, और कहीं कहीं उसमें PLC लगती भी नहीं है, और साइजेस भी थोड़े से छोटे हैं। तो टिकट साइज अगर आपका सिटी फेसिंग की तरह अलाउ करता है तो उस तरह के यूनिट्स भी आपको मिलते हैं, बट इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर प्रीमियम यूनिट्स तो आपको फ्रंट के यूनिट्स भी मिलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स लेकर आया है स्मार्ट वर्ल्ड, और बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं। और साथ ही साथ एक पेमेंट प्लान इसमें और भी है, वो है 1090 का, जिसको सबवेंशन प्लान भी बोलते हैं। 10% आपको इनिशियली देना है, 90% हैज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ पोजेशन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट प्लान। बस इसमें एक ही चीज़ है कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उस एलिजिबिलिटी को यूज़ करेगा स्मार्ट वर्ल्ड। बट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस प्लान इज ऑल्सो अवेलेबल विद स्मार्ट वर्ल्ड। इतने अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स अभी तक किसी भी डेवलपर्स ने नहीं निकाले। आप किसी भी डेवलपर्स की प्रॉपर्टी को उठा के देख लीजिए, वो चाहे DLF हो, आपका सिग्नेचर हो, टार्क हो, अनंतराज हो, आपका सिल्वर ब्लेड हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं उस सब के अंदर जो पेमेंट प्लान है एक या दो पेमेंट प्लान मिलता है, एग्रेसिव पेमेंट प्लान्स है। लेकिन स्मार्ट वर्ल्ड और M3M के अंदर आपको जो पेमेंट प्लान है वो आपको बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली मिलते हैं, कस्टमाइज पेमेंट प्लान मिलते हैं, 5 पेमेंट प्लान मिलते हैं आपको स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर। इफ़ यू वांट टू गो फॉर रेगुलर पेमेंट प्लान्स
उस तरह के पेमेंट प्लान्स भी है, इफ यू वांट टू गो फॉर इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान्स उस तरह के पेमेंट प्लान भी है। और स्मार्ट वर्ल्ड का सेक्टर 69 का प्रोजेक्ट जो आया था हाथों हाथ भी का है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 से 2,500 चेक्स उसके अंदर उठे हैं और सिर्फ 850 यूनिट्स उसमें निकाले थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त बस क्रिएट करके बैठा है स्मार्ट वर्ल्ड मार्केट के अंदर। और मैं यही बोलूँगा कि इससे पहले लेट हो जाए आप अवेल करें, जो 24 यूनिट्स है आप उसको अवेल करें। अगर वो नहीं होती तो उसके बाद भी बहुत अच्छे ऑफर्स, ऐसा नहीं कि कोई पेमेंट प्लान खराब है। तो इट वॉज ऑल अबाउट बिग बिलियन डे सेल्स ऑफर विच इज बींग प्रमोटेड बाय स्मार्ट वर्ल्ड एंड M3M। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग देयर प्रोजेक्ट्स कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर्स मैंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच।